आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने वाली हूँ आप एमएस वर्ड में किस तरीके से रेज्यूमे बना सकते हैं। आप कहीं पर भी जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो सबसे पहले जो चीजें देखी जाती है वह होती है आपकी रेज्यूमे। आपकी रेज्यूमे पे ही आपकी रिजेक्शन एंड सिलेक्शन डिपेंड होती है। इस वीडियो में हम सीखेंगे फ्रेशर रेज्यूमे बनाना। अगर आप फ्रेशर हो तो आपको रेज्यूमे बनाते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना है, एमएस वर्ड में रेज्यूमे बनाते वक्त हमें कौन सी छोटी प्रॉब्लम आती है, ये सारी चीजें मैंने इस वीडियो में कवर की है। इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम जान लेते हैं रिज्यूमे, बायोडाटा एंड सीवी में क्या डिफरेंस होता है। बायोडाटा का शॉर्ट फॉर्म होता है बायोग्राफिकल डाटा। इसमें हम अपने बारे में सबसे शॉर्ट फॉर्म में बताते हैं, लाइक आपकी डेट ऑफ बर्थ, रेसिडेंशियल एड्रेस, सेक्स, मैरिटल स्टेटस, क्वालिफिकेशन आदि बताते हैं इसमें, जो कि बहुत शॉर्ट डिटेल्स में होता है। उसके बाद आता है रिज्यूमे। रिज्यूमे इज अ फ्रेंच वर्ड जिसका मतलब होता है समरी। इसमें हम थोड़ा ब्रीफ में बताते हैं, रिज्यूमे का यूज हम करते हैं किसी न्यू पोजिशन को अप्लाई करने के लिए। यहाँ पर आप अपनी ब्रीफ समरी दे सकते हो, लाइक आपकी क्वालिफिकेशन बता सकते हो, अपनी इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस बता सकते हो, अपनी स्ट्रेंथ को बता सकते हैं। आप यहाँ पर किसी भी पर्टिकुलर जॉब को टारगेट करके हम अपना रिज्यूमे बनाते हैं। नेक्स्ट आता है सीवी, जो कि लैटिन वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब होता है कोर्स ऑफ लाइफ। तो जो चीजें हम बायोडेटा और रिज्यूमे में नहीं बताते हैं वो हम सारी चीज अपनी सीवी में बताते हैं। सीवी बहुत डिटेल्स में हो जाता है, इसलिए आपका 2 से 3 या 3 से 4 पेज का भी हो सकता है। सो गाइस, आप समझ गए होंगे सीवी, बायोडेटा एंड रिज्यूमे में डिफरेंस। तो आज हम फ्रेशर रिज्यूमे बनाना सीखेंगे। अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हो तो आप अपने रिज्यूमे किस तरीके से बना सकते हो। यहाँ पर हमने फ्रेशर रिज्यूमे बनाकर रखा हुआ है। आप रिज्यूमे एमएस वर्ड में बना सकते हो, गूगल डॉक्स में भी बना सकते हो। तो अभी जो मैं बता रही हूँ आपको एमएस वर्ड में बता रही हूँ। सबसे पहले आपको एमएस वर्ड को ओपन कर लेना है। सबसे पहला ध्यान जो हमें रखना है वह है पेज की सेटिंग। सबसे पहले हम पेज की सेटिंग कर लेंगे। यहाँ पर हम साइज को A4 ले लेंगे एंड देन मार्जिन को हमें यहाँ पर नैरो रखना है। आप चाहो तो नॉर्मल में भी बना सकते हो, बट हम यहाँ पर नैरो रख रहे हैं। नेक्स्ट जो सबसे जरूरी चीज है वह है टैब सेटिंग। टैब सेटिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है, रिज्यूम बनाते वक्त आपको इसका इम्पोर्टेंस पता चलेगा। तो हम यहाँ पर टैब की सेटिंग कर लेंगे। पहला टैब हमें रखना है 1 पे। इसमें आपको कुछ करना नहीं है, आपको जस्ट 1 पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको रूलर बार दिख रहा है, अगर नहीं दिख रहा है, मान लीजिए आपके एमएस वर्ड में रूलर बार नहीं आ रहा है, तो आपको व्यू में जाना है। यहाँ पर आप रूलर देख सकते हो, अभी यहाँ पर टिक है, इसे मैं अनचेक कर दूंगी तो ये हट जाएगा। जैसे ही हम इसे सेलेक्ट करेंगे ये रूलर बार आ जाएगा। तो अगर आपके एमएस वर्ड में रूलर बार नहीं दिख रहा है तो आप व्यू टैब में जाइएगा और यहाँ से रूलर को सेलेक्ट कर लीजिएगा, तो आपको रूलर बार दिखने लगेगा। सो हमें टैब सेटिंग करनी है, लेफ्ट टैब सेटिंग करनी है। तो सबसे पहले हम अपने कर्सर को लेकर 1 पे ले जाएंगे। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर हमारी टैब सेटिंग हो गई है 1 पे। नेक्स्ट हमें टैब सेटिंग करना है 3 पे। 3 पे हम लेकर जाएंगे। नेक्स्ट हमें टैब सेटिंग करना है 3.5 पे। यहाँ पर हमने टैब की सेटिंग कर ली है। आप इस पे डबल क्लिक करोगे तो टैब सेटिंग की विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर गलती से 1.06 हो गई, इसे अगर हटाना है तो इस पर क्लिक करेंगे और क्लियर कर देंगे तो ये सेटिंग क्लियर हो जाएगी। अगर आपको इस तीनों सेटिंग को क्लियर करना है तो आप इसे सिलेक्ट करके क्लियर ऑन कर दोगे, ओके कर दोगे, तो यहाँ पर हमारी टैब सेटिंग क्लियर हो जाएगी। यहाँ पर हम ओके कर देते हैं। अब जो सबसे तीसरी इम्पोर्टेंट सेटिंग है वह है आपकी पैराग्राफ सेटिंग, जिसमें हमें स्पेस नहीं लेना है। इसमें हम सारे स्पेस को 0 कर देंगे। यहाँ पर स्पेस हम अपने अकॉर्डिंग देंगे, इसे आप बनाते वक्त भी कर सकते हो, लेकिन अगर पहले से ही करके रखोगे तो आपको मुश्किलें थोड़ी कम आएंगी। यहाँ पर हम टाइप कर लेंगे रिज्यूमे। अभी आप देख रहे हो पैराग्राफ के बीच में स्पेसेस नहीं आ रही है। अगर हमें अपने मन से स्पेस लेना है तो हम अपने एक बार और एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर हम नेम टाइप करेंगे, यहाँ पर हमें एड्रेस टाइप कर देना है, कॉन्टैक्ट नंबर, यहाँ पर आप कॉन्टैक्ट नंबर टाइप कर लोगे। यहाँ पर हम ईमेल एड्रेस दे देंगे। रिज्यूम को हमें सेंटर में कर देना है। होम में जाएंगे और यहाँ पर इसे सेंटर में कर देंगे। यहाँ पर नेम की साइज हमें बढ़ानी है, यहाँ पर नेम की साइज को हम बढ़ा लेंगे, इसे बोल्ड कर देंगे। इसकी साइज को भी यहाँ से बढ़ा लेंगे।
अब यहाँ पर अगर आपको अपनी इमेज लगानी है तो इसके लिए आपको इंसर्ट में जाना है, पिक्चर में जाएंगे और आपको जो भी अपनी इमेज लगानी हो आप यहाँ से लगा सकते हैं। अभी आप देख रहे हैं ये इमेज मूव नहीं हो रही है, तो इसे मूव कराने के लिए हमें माउस के राइट बटन पे क्लिक करना है, रैप टेक्स्ट में जाएंगे और यहाँ पर हमें इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब हम इसे मूव कर सकते हैं, इसकी साइज को हम छोटा कर लेंगे। अभी ये जो आप देख रहे हो ये व्हाइट बैकग्राउंड से मैच कर रहा है, इसमें हम पिक्चर बॉर्डर लगा देते हैं। फोटो सेलेक्ट होते ही यहाँ पर फॉर्मेट ऑप्शन इनेबल हो जाता है, यहाँ पर आपको पिक्चर बॉर्डर दिख रहा है, इस पर क्लिक कर लेंगे और यहाँ से आउटलाइन दे देंगे, हमें ब्लैक आउटलाइन देना है। इसके वेट को बढ़ाना चाहते हैं तो वेट पे क्लिक करके हम इसके वेट को बढ़ा लेंगे। अब हमें बॉर्डर लगाना है तो इसके लिए हम पैराग्राफ में बॉर्डर में जाएंगे और यहाँ से बॉटम बॉर्डर को सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा कॉन्टेक्ट नंबर, एड्रेस, ईमेल हो गया। अब हमें जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज लिखनी है वह है कैरियर ऑब्जेक्टिव। कैरियर ऑब्जेक्टिव इज एन आई कैचिंग स्टेटमेंट। यहाँ पर आपको ये बताना होता है कि आप कंपनी के लिए क्यों बेनिफिशियल हो, कंपनी आपको क्यों सेलेक्ट करे, व्हाई यू आर द राइट कैंडिडेट फॉर द जॉब। यहाँ पर हम टाइप करेंगे कैरियर ऑब्जेक्टिव, इसमें हम सेटिंग लगा लेंगे। इसके लिए आपको पैराग्राफ ब्लॉक में सेटिंग का ऑप्शन मिलता है। अब अगर आप यहाँ से एंटर करोगे तो ये बढ़ते चला जाएगा, बैक स्पेस से हम ठीक कर लेंगे। आपको डायरेक्ट माउस से कर्सर नीचे की तरफ करना है। आप करियर ऑब्जेक्टिव में बता सकते हो कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह से अपने लर्निंग, नॉलेज और स्किल से हेल्पफुल हो सकते हो। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है करियर ऑब्जेक्टिव में क्या लिखूं, तो आप गूगल में सर्च कर सकते हो, वहाँ पर आपको बहुत अच्छी अच्छी लाइनें मिल जाएगी, आप उसे अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। फिलहाल मैं इसे कॉपी पेस्ट कर ले रही हूँ, कंट्रोल सी से कॉपी कर लेंगे, यहाँ पर हम इसे पेस्ट कर देते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा एकेडमिक क्वालिफिकेशन, तो हम एकेडमिक क्वालिफिकेशन टाइप कर लेंगे। यहाँ पर मैं जो सेटिंग लगाई है वो सेटिंग यहाँ अप्लाई करने के लिए आपको जस्ट यहाँ पर कहीं पर भी कर्सर रखना है एंड देन आपको होम में जाना है। यहाँ पर आपको फॉर्मेट पेंटर का ऑप्शन मिलेगा, इस पर हम क्लिक कर लेंगे और इसे सेलेक्ट कर लेंगे, तो जो फॉर्मेटिंग हमने इसमें की है वो फॉर्मेटिंग यहाँ पर भी आ जाएगी। यहाँ पर हम इसे जीरो कर लेंगे। अब यहाँ पर आपको एकेडमिक क्वालिफिकेशन लिखनी है, तो आपने जो भी पढ़ाई की है वो हमें यहाँ पर टाइप करना है। आप इसे टेबुलर फॉर्म में भी लिख सकते हो या इस तरह से भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हमें बुलेट लगाना है, तो यहाँ पर हम होम में जाएंगे और यहाँ से कोई भी बुलेट का स्टाइल ले लेंगे। अभी मैं यहाँ से कॉपी कर ले रही हूँ। बुलेट को हटाने के लिए आपको बैक स्पेस देना है, फिर से बैक स्पेस देंगे। नेक्स्ट आती है टेक्निकल स्किल्स। आपके पास जो भी टेक्निकल स्किल्स है, लाइक अगर आपने कंप्यूटर की कुछ कोर्सेज की हैं या आपने प्रोग्रामिंग किया है, तो आप वो टेक्निकल स्किल्स यहाँ पर लिख सकते हैं। सेम हमें यहाँ पे फॉर्मेटिंग लगानी है, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर हम पैराग्राफ को जीरो कर देंगे। यहाँ पर आपको टेक्निकल स्किल बतानी है, तो आपकी जो भी टेक्निकल स्किल है आप यहाँ पे लिख दोगे, लाइक बेसिक नॉलेज इन एमएस ऑफिस, बेसिक नॉलेज इन टेली प्रोग्रामिंग, व्हाटएवर, तो यहाँ पर आप टाइप कर सकते हो। नेक्स्ट आता है अदर स्किल, ऐसे आप एज अ सॉफ्ट स्किल्स भी बोल सकते हो, लाइक आप में अच्छी कम्युनिकेशन स्किल है, आप क्विक लर्नर हो, तो ये सब चीजें आप अपने रिज्यूमे में बता सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैंने कुछ स्किल्स लिखे हैं, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, क्विक लर्नर्स, इसे हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, यहाँ हम इसे पेस्ट कर देते हैं। सो यहाँ पर हमारी कैरियर ऑब्जेक्टिव हो गई, एकेडमिक क्वालिफिकेशन हो गया, टेक्निकल स्किल्स हो गया, अदर स्किल्स हो गई। अब हमें यहाँ पर अपनी पर्सनल डिटेल बतानी है। अब जो हमने टैब सेटिंग की थी वह आपको यहाँ पर समझ में आएगा। पर्सनल डिटेल्स में आपकी डेट ऑफ बर्थ हो गई, जेंडर हो गई, मैरिटल स्टेटस हो गया, फादर नेम हो गया। तो जैसे हमने यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ लिखा, अब जैसे हमने यहाँ पर टैब सेटिंग की थी, तो जैसे हम टैब प्रेस करेंगे तो पहला ये वन पे स्टॉप होगा, नेक्स्ट ये डायरेक्ट थ्री पे जाकर स्टॉप होगा। तो टैब सेटिंग का ये फायदा होता है कि अभी जो हम डॉट देंगे वो एक लाइन में रहेगी, क्योंकि यहाँ पे हमने टैब को सेट कर लिया है। अगर आपने पहले कभी रिज्यूमे बनाया होगा तो आपने देखा होगा जब हम पर्सनल डिटेल्स लिखते हैं और इस तरह से कॉलम देते हैं तो ये थोड़ा मिसमैच हो जाता है, कुछ इधर कुछ उधर आता है। तो जब आप टैब सेटिंग कर लेते हो तो ये वाली प्रॉब्लम आपको नहीं आती है। तो यहाँ पर इसलिए मैंने कहा था कि आपको टैब की सेटिंग कर लेनी है, ताकि आप यहाँ पर जो पर्सनल डिटेल्स लिखे वो एक अलाइन में रहे, देखने में वो अच्छा लगे। यहाँ पर हम डेट ऑफ बर्थ टाइप कर लेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, जेंडर, एक टैब देंगे तो आप देख रहे हो वन पे स्टॉप हो रहा है, दूसरा दे रहे हैं तो थ्री पे स्टॉप हो रहा है। इस तरह से हम अपना पर्सनल डिटेल भर लेंगे। नेक्स्ट हमें टाइप करना है डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन में हम वह टाइप करते हैं कि हमने जो भी ऊपर में जो भी चीजें अपने बारे में लिखी है वह सारा कुछ सही है। इसे मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर ले रही हूँ। नेक्स्ट आपको क्या लिखना है, प्लेस लिखेंगे,
टैब देंगे, ये टैब वन में स्टॉप हुआ है, यहाँ पे कॉलन दे देंगे। नेक्स्ट हमें डेट लिखना है, टैब देंगे कॉलन, देन टैब देके हमें आगे की तरफ जाना है। यहाँ पर हम सिग्नेचर टाइप कर देंगे, इसे हम बोल्ड कर लेते हैं। सो गाइस, यहाँ पर हमारी फ्रेशर रिज्यूमे बनकर तैयार है। तो ये एक तरीका हुआ रिज्यूमे बनाने का। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।